हे गाइस, दिस फैटबॉय कबैहो। आप सब लोगों के मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मेरे गेयर्स खराब हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं कैसे रिपेयर करूं, वो शिफ्ट नहीं हो रहे प्रॉपरली। सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज इस वाली वीडियो में आपको मैं गेयर्स रिपेयर करना और एडजस्ट करना सिखाऊंगा। In this video, I will be using the Fitrip Viper and the reason is क्योंकि इसके जो gears हैं वो सारे common gears हैं and आप सब लोगों की जो cycle होती है उसमें वही वाले gear आते हैं। So let's begin। Gears को adjust करने के लिए सबसे पहले अपनी cycle को उल्टी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका mechanism देखते हैं कि gears कैसे काम करते हैं। So जो highest gear होता है, जो कि इसमें 7th gear है, उसे जैसे ही आप shifter press करेंगे आपके पास ये एलन की नहीं है या आपको नहीं खरीदनी तो आप मल्टी टूल भी यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज द स्क्रू ड्राइवर, यह आपको कहीं पर भी किसी भी स्टोर में मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, सबके घर में अवेलेबल होता है। तो इसको फटाफट से एक बार डिस्ट्रॉय कर देते हैं गियर्स को, इसे केबल निकाल देते हैं, ये स्क्रू बाहर निकाल देते हैं, बैरल रजिस्टर को ऐसे से करके बिगाड़ देते हैं। सो पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि गियर्स वगैरह क्या क्या चीज़ होती है। जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम डिरेलर कहते हैं। डिरेलर में ये बैरल एडजस्टर होता है, ये टेंशन एडजस्ट करने के काम आता है। एंड ये जो दो स्क्रूज आपको दिख रहे हैं इसको हम लिमिट स्क्रूज कहते हैं, जो कि आपकी लिमिट एडजस्ट करने में काम आते हैं ताकि आपकी चेन फॉल ना करें। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं डिरेलर हैंगर। ये इसलिए मेंट होता है, ये एल्यूमिनियम का होता है, इजीली ब्रेक करने के लिए ही बना होता है, ताकि अगर कोई भी आपके पास साइड इम्पैक्ट हो आपके गियर पे तो सबसे पहले ये टूटेगा, आपके गियर बचा देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिमिट स्क्रू को एडजस्ट करते हैं। इसमें एक हायर लिमिट का स्क्रू होता है एंड एक लोअर लिमिट का स्क्रू होता है। सो जो हायर लिमिट का स्क्रू होता है वो लास्ट गियर के लिए मेंट होता है एंड जो लोअर लिमिट का स्क्रू होता है वो फर्स्ट गियर के लिए मेंट होता है। पहले इसको हैंड एडजस्ट करके देखते हैं, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये चेन फॉल कर जाती है। एंड इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लिमिट स्क्रू को एडजस्ट करें। सो देखिए, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसकी हाईएस्ट लिमिट होती है वो एडजस्ट हो जाती है। आप क्या चाहेंगे, ये जो पूरी प्रॉपर एक लाइन बन जाए इसके साथ, ताकि बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए एंड तब आप इसको स्टॉप कर दीजिएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको हैंड से पकड़ के फर्स्ट गियर में लगा देते हैं। अब हम फर्स्ट वाले की लिमिट सेट करेंगे, दैट इज द लोअर स्क्रू। इसको ऐसे प्रेस किया। नाउ अगर आप फर्स्ट वाले गियर की एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, जो फर्स्ट गियर में जैसे ही जाएंगे ये जो पार्ट होगा आपका स्पोक से हिट करेगा एंड अगर इसने हिट किया तो आपका गियर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले लिमिट स्क्रूज को एडजस्ट करते हैं। अब इस केबल को टाइट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 7th गियर में शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्टर से भी 7th है, यहां से भी 7th है एंड जैसे हम 6th गियर में शिफ्ट करेंगे देखते हैं कि शिफ्ट होगा कि नहीं। एंड अगर आप देख रहे हैं स्किप कर दिया चेन, आवाज वियर्ड सी आ रही है, इसका मतलब इस बैरल रजिस्टर को हमें एंटी क्लॉक वाइज थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, अब देखते हैं 6th गियर में आया कि नहीं, अब भी इशू है। थोड़ा और रोटेट कर देते हैं, अब भी इशू है, और रोटेट कर दो। अभी 6th में जंप कर चुका है, तो 7th में वापस आते हैं, 5, 6, 5। इसका मतलब ये है थोड़ा बहुत इंडेक्स हो चुका है। एक बार सारे गियर्स हम चेक कर लेते हैं। तो अभी प्रॉपरली इंडेक्स नहीं है, इसको और भी टाइट करने की जरूरत है हमें बैरल एडजस्टर को। जो हाफ टर्न होता है इसको एडजस्ट करने के लिए वो इनफ होता है, वन टर्न ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा हाफ अप करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब ने ये नोटिस किया होगा, जब भी लो शिफ्टिंग कर रहा था तब इसको दिक्कत आ रही थी, लेकिन जब अप शिफ्टिंग कर रहा था इसको कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसका मतलब ये अभी भी टेंशन इसकी ठीक नहीं है, थोड़ा और इसको टाइट कर देते हैं। नाउ इट सीम्स फाइन, हमारा जो डिटेलर है वो एडजस्ट हो चुका है प्रॉपरली। अब कई बार क्या होता है, आप लोगों को दिक्कत आती है, क्या होता है,
आपको जो सेवंथ गियर होता है वो वर्क नहीं करता, लेकिन फर्स्ट गियर बड़े मजे से वर्क करता है। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है जब आपकी जो साइकिल होती है वो गियर वाली साइड पे फॉल कर जाती है एंड उसके वजह से जो डिरेलर हैंगर होता है वो बेंट हो जाता है। तो इसको वापस ठीक करने का एक ही तरीका है, या हाथ से कीजिए या प्लास्ट से कीजिए, इसको बाहर की तरफ वापस बेंट कर दीजिए। ध्यान रहे आप इस पार्ट को पकड़ के ना कीजिए या ना इस पार्ट को पकड़ कीजिए, सिर्फ एल्यूमिनियम वाले पार्ट को बाहर निकालिए। अगर ये ज्यादा बेंट होता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप नया वाला डिरेलर हैंगर यूज कीजिए। मार्केट में आपको ये 400 रुपीज के आसपास मिलता है इंडिया में, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा चीप पड़ेगा। इसके ऑनलाइन लिंक्स मैं आपको जरूर दूंगा। हर बाइक का एक अलग डिरेलर हैंगर होता है, आप अपनी फोटो मैच करके वो वाला डिरेलर हैंगर परचेज कर सकते हैं। जो आपके फ्रंट गियर्स हैं उनको भी आप सिमिलरली ही एडजस्ट करेंगे, लिमिट्स उसमें भी होते हैं, एडजस्टमेंट भी उसमें होती है, तो सिमिलर वे में आप फ्रंट गियर भी एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट सम कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपके गियर्स में आती है। सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप अभी शिफ्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रहा है, बिल्कुल आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं वो स्किप करने लग जाता है। उसकी यही प्रॉब्लम है, जो आपकी गियर की जो चेन है वो वेयर आउट हो चुकी है। अब उसको चेक कैसे करेंगे? उसको चेक करने के लिए आपको ये वाला टूल की जरूरत होगी। इसमें दो मार्किंग होती है, 0.1 की एंड 0.75 की। तो इसको फटाफट से चेक करना सिखा देता हूँ मैं आपको। सो चेक करना बहुत ईजी है, हम इसको ऐसे करके यहाँ पर लगा देंगे। अभी आप देख रहे हैं मेरी चेन न्यू है तो ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा है, 0.75 रीडिंग नहीं आ रही है, 0.1 की तो इसका मतलब आएगी ही नहीं, वो भी नहीं आ रही है। सो 0.75 का मतलब ये होता है 0.75 आपका रिवियर आउट हो चुकी है चेन, इसका मतलब इस चेन को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। 0.1 का ये मतलब होता है कि जो 1% हो चुकी है ये चेन आपकी वियर आउट हो चुकी है, इसका मतलब ये है चेन तो आपकी रिप्लेस करनी ही पड़ेगी, साथ में आपको जो फ्री व्हील है वो भी रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ दिस वाज अ साइंटिफिक वे, लेकिन अगर आपको इंश्योर करना है घर पे कि कैसे मैं इस चेन को चेक करूंगा, उसका भी एक तरीका है। आप क्या करेंगे, आप एक इंची टेप ले लेंगे या फिर एक स्केल ले लेंगे, उसको 12 इंच के मार्क पर नोट करेंगे, दैट इज द 30 सेंटीमीटर मार्क, एंड आप इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर मेजर करेंगे। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर एंड करेंगे। अगर ये वाला पॉइंट इससे एक्सटेंड हो जाता है, इसका मतलब आपकी चेन लॉन्ग हो चुकी है एंड उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। लेकिन टेक दिस इन माइंड, ये साइंटिफिक वे नहीं है। साइंटिफिक वे के लिए आपको वो वाला टूल यूज करना पड़ेगा, चेन टूल। ऑब्वियसली उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अपर गियर में जाते हैं तो आराम से शिफ्ट करते हैं, लेकिन जब लोअर गियर में आते हैं वो शिफ्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको कैसे एडजस्ट करें? उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे जो आपकी जो केबल होगी, इसका मतलब वो केबल आपकी पुरानी हो चुकी है, उस केबल को या तो ऑयलिंग करिए, ऑयलिंग करने से काम नहीं बनता है, तो अब इस केबल को रिप्लेस कर दीजिए। 10 रुपीज की केबल आती है, झंडे वाला मार्केट से खरीदे या अपनी लोकल शॉप में खरीदे, 15 रुपीज है, 20 रुपीज में आराम से आ जाएगी। झंडे वाला में इस कर रही है 10 रुपीज है। एंड अगर उस केबल चेंज करने से आपका काम नहीं बनता तो आपको आउटर भी चेंज करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट अराउंड 20 रुपीज आती है लोकल की, एंड ब्रांडेड की एक्सपेंसिव होती है। नाउ एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो आपकी जो चेन है वो प्रॉपरली ऑयल रहे। अगर ये ऑयलिंग प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, आपको लोहे की घिसने की आवाज़ आएंगी एंड वो आपकी चेन के लिए बहुत बैड होता है। तो प्रॉपरली ऑयल रखें। ऑयल में रिकमेंड करूंगा मकऑफ या फिनिश लाइन, एंड अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, इंजन ऑयल और मशीन ऑयल आपका लास्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर आपको गियर से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, डू लाइक इट। अगर आपके फ्रेंड्स को भी ये प्रॉब्लम आ रही है गियर्स में एंड आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इसको आराम से रिपेयर कर लें, तो आप इस वाली वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। एंड ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस फैट बाइक साइनिंग ऑफ।